हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एलएनटी कंस्ट्रक्शन को एक जबरदस्त तो काफ़ी बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं और इससे जुड़ी हुई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं हूँ वीरेन सोनकर और ये मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल वीरू। तो अभी एलएनटी कंस्ट्रक्शन को दो बड़े वर्क ऑर्डर मिले हैं, इसमें दो यूनिट कुंडल कुल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की दो यूनिट बनाने का इसे कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। और ये जो है नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से उसको ये वर्क ऑर्डर मिला हुआ है और लगभग 2500 करोड़ का वर्क ऑर्डर बताया जा रहा है कि ये 2500 करोड़ का वर्क ऑर्डर है। और इसमें लगभग 1000 मेगावाट का पावर जनरेशन होगा और जो भी ये पावर जनरेट होगा और फिर उसके बाद इसका यूज़ जो होता है कि आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में पावर सप्लाई के लिए किया जाएगा। और कुंडलकुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में जो है ये 1000 मेगावाट का ही है और इसमें 5 और 6 जो यूनिट है, इसकी 5th और 6th यूनिट जो ऑलरेडी के लिए ये टेंडर लगाया हुआ है और इसमें लगभग 64 मंथ्स का वर्क है, 64 मंथ्स में से कंप्लीट करना है। और तो एलएनटी कंस्ट्रक्शंस तो ऑलरेडी काफ़ी अपनी क्वालिटी और टाइमली एग्जीक्यूशंस के लिए जानी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे ये प्रोजेक्ट्स के आने से क्या क्या जॉब क्रिएट हो सकता है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट्स के आने से काफ़ी मात्रा में सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ सुपरवाइजर स्टोर और काफ़ी सारे मेन पावर्स की आवश्यकता होगी। तो और इसमें जो पहले से काफ़ी मेन पावर रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, एलएनटी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स होता है वो Naukri.com के थ्रू ही होता है। और तो दोस्तों बस इतना ही प्रोजेक्ट्स में, इसके अलावा काफ़ी सारी इस वैकेंसीज के बारे में अपने चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ ताकि लोगों को सही जॉब्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।